लक्षण है। तुम सही समय पर बच्चे को यहाँ ले आई हो, इसमें अगर देरी होती तो ये जानलेवा भी हो सकता था। मैं आप सभी को बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने डायरिया के मरीजों के लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में उपलब्ध करा रखा है। तो बहन अब अपने बच्चे को ORS का घोल पिलाओ, साथ ही साथ बच्चे को 14 दिन तक जिंक की गोली खिलाओ, और अगर दस्त ठीक भी हो जाते हैं फिर भी बच्चे को 14 दिन तक जिंक की गोली खिलाते रहना है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दस्त से बचने के लिए 7 सरोकार हैं, यानी कि 7 तरीके हैं। उनको अगर आपने ठीक से समझ लिया, जान लिया, तो आप अपने बच्चों को दस्त जैसी जानलेवा बीमारी से बचा सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दस्त होते क्या है। अगर आपका बच्चा एक दिन में 3 से ज्यादा बार पानी जैसी पतली टट्टी करता है, बच्चे की आंखें धसी हुई हैं, बच्चे में चिड़चिड़ापन है, या फिर बच्चा सुस्त है, ये सभी लक्षण दस्त के हैं, यानी कि डायरिया के। इससे अपने बच्चे को बचाने के लिए बच्चे को तुरंत ORS का घोल पिलाना है, साथ ही साथ बच्चे को 14 दिन तक जिंक की गोली खिलानी है। और सबसे जरूरी बात, अगर ऐसे लक्षण आपको आपके बच्चे में दिखते हैं तो बच्चे को तुरंत नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाना है। इसमें लापरवाही बिल्कुल भी ना करनी। हाँ भैया, अगर लापरवाही की तो दस्त जैसी और भयानक बीमारी हो सकती है। अभी डॉक्टर साहब ने आपको दस्त के लक्षणों के बारे में बताया, और अगर दस्त हो जाए तो उसके उपचार के बारे में भी बताया। ये तो हो गए भैया 2 सरोकार, अब जानते हैं बाकी के 5 सरोकार। शौचालय की रोज सफाई बहुत जरूरी मेरे भाई। शौच के लिए हमेशा शौचालय का ही इस्तेमाल करें, शौचालय को साफ सुथरा रखें, अपने घर और आस पड़ोस को भी साफ सुथरा रखें, क्योंकि जितना साफ सफाई से आप रहेंगे उतना ही सुरक्षित आप और आपके बच्चे रहेंगे। साबुन से हाथों की सफाई, बीमारी फिर पास ना आई। मैं हूँ कीटाणु, बीमारियों का राजा। जो लोग गंदगी फैलाते हैं, बच्चों बहुत गंदगी फैलाई है, नहीं छोड़ूंगा, बीमार कर दूंगा। सुपरमैन कर गया कमाल, मचा दिया है सादा, तो हाथों ने करी सफाई, फिर हाथों में टांग दिया कीटाणु की जान। धन धनवाई धन धनवाई धन धनवाई आग कीटाणु। तो समझ में आया, अगर आपके हाथ गंदे होंगे तो गंदे हाथों में आएंगे कीटाणु, और अगर उन्हीं हाथों से आप खाना खाएंगे या बच्चों को खाना खिलाएंगे तो आप भी बीमार पड़ सकते हैं और बच्चे भी। लेकिन आपकी छोटी सी सावधानी आपके पूरे परिवार को सुरक्षित कर सकती है। खाना खाने से पहले और शौच के बाद अपने हाथों को अच्छे से साबुन और पानी से धोना है, वो भी कम से कम 20 सेकंड तक। माँ का दूध बनाए बच्चों को मजबूत। नवजात शिशु को 6 महीने तक स्तनपान ही कराना है। 6 माह से 2 साल तक के बच्चे को माँ के दूध के साथ पोषक आहार देना बहुत जरूरी है। उबला पानी बड़ा कमाल, डंडी वाले लोटे से निकाल। हमेशा साफ सुथरा पानी पिए, या फिर पानी को उबाल कर छान कर किसी साफ बर्तन में ढक कर रखें। जब भी आपको पानी का इस्तेमाल करना, जैसे कि आप बाल्टी या मटके से पानी निकालते हैं, उसके लिए हमेशा डंडी वाले लोटे का ही प्रयोग करें। कर लो तुम मजबूत, प्राण बहुत जरूरी है टीकाकरण। अपने बच्चों को डायरिया से बचाने के लिए, यानी कि दस्त से बचाने के लिए रोटा वायरस का टीका जरूर लगवाएं, साथ ही साथ बच्चे को विटामिन ए की खुराक भी जरूर दें। इन बातों का ध्यान रखना होगा हमें हमेशा, डायरिया से बच्चों की उम्र से करें सुरक्षा, रखना ध्यान हमेशा, रखना ध्यान हमेशा, 14 दिन तक की गोली दस्त में करें प्रयोग, और इसका घोल पिलाएं सेहत बनेगी। है ना ध्यान हमेशा रखना ध्यान हमेशा।
अगर इन सात सरोकारों में से एक भी छूटा तो समझो दस्त का सुरक्षा चक्र टूटा। और हाँ, दस्त प्रबंधन के लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, जल शक्ति मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर आपको ये नाटक थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो तालियां बजा दीजिएगा।